पॉलिटिक्स इज अ डर्टी फील्ड, इट इज नॉट मेंट फॉर वुमन. और यहाँ तक कि मुझे बोला गया है कि लेडी को घर में पर्दे के अंदर ही बैठना ठीक रहता है. ना पति का सपोर्ट मिलता है, ना बेटे का सपोर्ट मिलता है, ना किसी का सपोर्ट नहीं मिलता. मैं गांव मोहल्ला से भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है. यू नो इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सो दे द वुमन हैज मे बी द अपब्रिंगिंग and the way she's brought up in a sense that she's not meant for politics. मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बाहर निकलने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है. हमें हर चीज में टोका जाता है, रोका जाता है. चुनाव में हारेंगे, मुसलमानों को वोट ही नहीं देता कोई. हमारा देश हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है, इसलिए महिलाओं को तो वोटिंग उठाने, मान लीजिए उनकी जब सुरक्षित सीट हो रही तो उनको तो उठा लिया जाता है, लेकिन उस मौके का फायदा वो पुरुष ही उठाते हैं, महिलाएं नहीं उठाती और उनकी कोई मनमानी भी नहीं होती, उनका कोई निर्णय भी नहीं होता है. दबंगों की वजह से हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, दबा दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्शन में नहीं लड़ पाते हैं. आजकल इलेक्शन तो लड़ना भी हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है. छोटे लोग को कहाँ लोग लड़ने देते हैं, सोचते हम ही लोग हों. अगर आप जीत गई तो ठीक है, अगर हार गई तो उसके बाद आप जो जो आपने यूज नहीं किया, जो नहीं किया, तो वो सारी चीजें फिर आपके ऊपर कमेंट्स होने लगते हैं. हाँ निकली थी, हारने गई नहीं, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं. लड़कियों को कैसे, मोहल्ले की लड़कियों को कैसे हम डेवलप करते, कैसे हर चीज़ ज़रूरत पूरा करते, तो हम हमारी बेटियां भी आगे बढ़कर जाती निकलती. इसीलिए हम भी राजनीति में आना चाहते हैं. हम अपनी आवाज़ को बताते, हम समझाते उनको कि हमारे मोहल्ले में ये चीज़ नहीं है, हमारे गांव में ये चीज़ नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. मुस्लिम महिलाएं सांसद भी होंगी तो उनको बहुत फायदा होगा, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी, लोगों का माहौल बदल जाएगा, और मतलब इतना बदल जाएगा कि कहने को क्या है. पूरा का पूरा मतलब हमें तो लगता है कि उनको देखते हुए भी लोग बदल जाएंगे.